श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का 988 करोड़ 15 लाख रुपए का सालाना बजट अज अमृतसर स्थित तेजा सिंह समुद्री हाल में पास कर दिता गया, जो करीब 29 करोड़ 70 लाख रुपए घाटे वाला बजट है। सालाना बजट लई सदे जनरल इजलास विच ए बजट जनरल सकत्तर करनैल सिंह पंजोली वालों पेश किया गया। उन्होंने दस्या कि इस बार कुल आमदन 958 करोड़ 45 लाख रुपए के करीब होने का अनुमान है, जदों के कुल खर्चा 988 करोड़ 15 लाख रुपए के करीब होने का अंदाजा है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, विद्यक अदारे अते गुरद्वारा साहबान का 85 दे असल आमदन खर्च नूं इक जगह इकट्ठा करके पिछली बार मुख बजट तैयार किया गया सी। इस नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की असल आमदन विच स्पष्टता आई है। अगों भविष्य विच भी इस बजट नूं होर सरल ते स्पष्ट बनाउण लई आप जी पासों सहयोग अते उचित सहयोग की आस करदा हां। बजट साहब कमेटी वालों साल 2022-2023 के बजट की कीति भोख पड़ताल के आधार पर अंतरिम कमेटी वालों की सिफारिश अनुसार तरतीबार नरोल आमदन अते खर्च का संखेप तौर पर वेरवा हेठ लिखे अनुसार है। मुख बजट का विस्तार चार भागा ऊड़ा आड़ा ईड़ी और ससा विच दर्ज किया गया। बाकी तकरीबन सारा बजट जिहड़ा वो आप जी को इस बजट स्पीच राही पहुँच चुकया है। इत्थे ये स्पष्ट किया जाता है कि इस साल आमदन नालों 29,70,18,780 रुपए वध खर्च होने का अंदाजा है। इस मौके SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों वख वख 12 अहम मते पढ़े गए, जिन्हां नूं हाउस वालों प्रवानगी दे दित्ती गई। इस दौरान विरोधी धिर नाल संबंधित कुछ मैंबरां ने बजट इजलास का बाइकाट भी किया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर का अज का इजलास समूह खालसा पंथ गुरु नानक नाम लेवा संगतां समूह सिख संस्थावां अते संगठनां दे ध्यान विच लियांदा होया, जिथे ये अग्ञान भरिया घिनौनियां हरकतां की घोर निंदा करता है, उत्थे श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी नूं ये पुरजोर अपील करता है कि सिंह साहिबान की मीटिंग बुला के इस बारे तुरंत आदेश जारी करके सख्त तारना करन दी कोई भी व्यक्ति संगठन या संस्था गुरबाणी की पाठक सदाई अते शुद्ध आचरण के नाँ हेठ छुपा रही डिजिटल संस्करण तैयार करन दा हीहा ना करे। जेकर कोई अजिहा करता है तो उस विरुद्ध पंथक रवायतों मुताबक कार्रवाई की जाए। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर का जनरल इजलास ये दृढ़ करवाने की अति जरूरी समझता है कि समूह खालसा पंथ गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां लई शहीदां दे सरताज धन साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी वालों संपादित कीती गुरबाणी अते बाद विच दसम पातशाह धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों नौवें महल्ले की शामिल कीती बाणी ही अंतम असल ते सर्वता सुध है। अज का यह जनरल इजलास ये महसूस करता है कि अज बहुत सारिया मोबाइल ऐप्स वैबसाइट मौजूद हैं, जिन्हां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे PDF ते होर वख-वख रूपां विच अपलोड किया होया है। ये लोग गुरबाणी की प्रमाणिकता नूं देखे परखे बिना ही वैबसाइटां अते ऐप्स ते अपलोड करके संगतां तक पहुँचा रहे हैं। इस वर्तारे ते रोक लगनी जरूरी है। जनरल इजलास श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार साहब जी नूं सत्कार सहित ये भी अपील करता है कि इस संबंध में विचार वटांदरे उपरंत लड़ींदे निर्देश जारी किए जाण। इस मौके तख्त साहबाना दे जथेदार भी हाजिर सन। उधर दूजे पासे SGPC दे बादल विरोधी मैंबरां दे वफद ने श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं एक मंग पत्र दिता,
कि श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल को फकर ए कौम अवार्ड वापस ले लिया जाए। इस बाबत मिठू सिंह कहनेके, अमरीक सिंह शाहपुर, मलकीत सिंह चंगाल, हरप्रीत सिंह गरचा और अमरीक सिंह किला हकीमा शामिल सन। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी।